दोस्तों पोको बहुत ही जल्द इंडिया में लॉन्च करने वाला है, पोको F5 Pro 5G फोन को। ये काफी अच्छा बढ़िया स्पेसिफिकेशन देखने को मिलेगा, ये फ्लैगशिप लेवल स्पेसिफिकेशन के साथ ये फोन आने वाला है, बढ़िया तगड़ा स्पेसिफिकेशन देखने को मिलेगा। तो आज भी इस वीडियो में बात करने वाला हूँ पोको F5 Pro 5G फोन का बारे में। ये फोन में क्या स्पेसिफिकेशन दिया जाएगा और किस प्राइस के साथ ये फोन लॉन्च होने वाला, कब ये फोन देखने को मिलेगा। अगर आप ये फोन का बारे में पूरा जानकारी जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमीरुद्दीन और आपका स्वागत है टेक्निकल अमीरुद्दीन यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं क्या स्पेसिफिकेशन दिया जाएगा पोको F5 Pro 5G फोन में। तो सबसे पहले ये फोन का डिस्प्ले से शुरू करते हैं। ये फोन में काफी अच्छा बढ़िया नेक्स्ट लेवल डिस्प्ले देखने को मिलेगा। ये फोन में जो डिस्प्ले साइज होने वाला है 6.67 इंच का QHD प्लस OLED डिस्प्ले दिया जाएगा। यह काफी अच्छा बढ़िया रेजोल्यूशन के साथ ये फोन आने वाला, हो सकता है इसमें 2K डिस्प्ले दिया जाए। और ये फोन में जो हाईर रिफ्रेश रेट होगा ये 120Hz का रिफ्रेश रेट दिया जाएगा। इसमें नॉस्टेनो नहीं मिलेगा, छोटा सा एक पांचोल होने वाला है। गरेला ग्लास का प्रोटेक्शन भी दिया जाएगा, HDR10+ का सपोर्ट भी मिल जाएगा। तो डिस्प्ले में यहाँ पे कोई कमी देखने को नहीं मिलेगा, काफी अच्छा बढ़िया डिस्प्ले होने वाला है। ये फोन का कैमरा का बात करें तो ये फोन में कैमरा भी काफी बढ़िया देखने को मिल जाएगा। ट्रिपल ईयर कैमरा होने वाला है, जो प्राइमरी सेंसर होगा 64 मेगापिक्सल का F1.8 अपर्चर का साथ में दिया जाएगा। ये सोनी का सेंसर यूज किया जाएगा, साथ में ये फोन में वॉइस मिल जाएगा। और जो सेकेंडरी कैमरा होगा ये 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल दिया जाएगा। और जो टाइट कैमरा होगा 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस दिया जाएगा। सेल्फी कैमरा का बात करें तो ये फोन में 16 मेगापिक्सल का पांचोल सेल्फी कैमरा मिल जाएगा। इसका रियर कैमरा में 8K वीडियो रिकॉर्डिंग सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर वीडियो रिकॉर्डिंग में यहाँ पे कोई कमी देखने को नहीं मिलेगा, काफी बढ़िया तगड़ा कैमरा होने वाला है। ये फोन का परफॉर्मेंस प्रोसेसर का बात करें तो ये फोन का परफॉर्मेंस में यहाँ पे कोई कमी देखने को नहीं मिलेगा, काफी अच्छा बढ़िया नेक्स्ट लेवल परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। ये फोन में क्वालकॉम का फ्लैगशिप प्रोसेसर दिया जाएगा, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8+ Gen 1 ऑक्टोकोर प्रोसेसर दिया जाएगा। ये बहुत ही बढ़िया पावरफुल प्रोसेसर है। इसका क्लॉक स्पीड है 3.0 की का क्लॉक स्पीड चलता है। जीपीयू का बात करें तो एड्रोनो 730 जीपीयू मिल जाता है। ये काफी अच्छा बढ़िया पावरफुल प्रोसेसर, ये 4 नैनोमीटर का प्रोसेसर है, 4 नैनोमीटर पर आधारित है। ये फोन का OS यूजर इंटरफेस का बात करें तो ये फोन में एंड्रॉयड 13 आउट ऑफ द बॉक्स मिल जाएगा, साथ में MIUI 14 दिया जाएगा। ये फोन का वारंट का बात करें तो ये फोन 3 वारंट पर लॉन्च किया जाएगा। जो बेस्ट वारंट होगा 8GB रैम 120GB इंटरनल स्टोरेज के साथ आएगा, जो मिड वारंट होगा 8GB रैम 256GB इंटरनल स्टोरेज के साथ आएगा, और जो हायर वारंट होगा यह 12GB रैम 256GB इंटरनल स्टोरेज के साथ आएगा। ये फोन में मेमोरी कार्ड एक्सपेंडेबल नहीं कर सकते, अलग से मेमोरी कार्ड नहीं लगा सकते हैं। ये फोन का बैटरी का बात करें तो ये फोन में 5000mAh का बैटरी दिया जाएगा। फास्ट चार्जिंग का बात करें तो 120W का फास्ट चार्जर आउट ऑफ द बॉक्स मिल जाएगा। ये फोन का USB कनेक्टर का बात करें तो USB Type-C 2.0 दिया जाएगा। ये फोन का ब्लूटूथ वर्जन का बात करें तो 5.3 ब्लूटूथ वर्जन दिया जाएगा। 3.5mm ऑडियो जैक देखने को नहीं मिलेगा, Type-C दिया जाएगा। ये फोन का सिक्योरिटी फीचर का बात करें तो ये फोन में अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाएगा और फेस अनलॉक भी दिया जाएगा। ये फोन का बिल्ड क्वालिटी डिजाइन देखा जाए तो काफी अच्छा बढ़िया शाइनी डिजाइन होने वाला, बढ़िया डिजाइन के साथ आएगा। ग्लासिक फिनिशिंग बैक मिल जाएगा, ग्लास बैक के साथ ये फोन आने वाला है। ये फोन का स्पेसिफिकेशन देखा जाए काफी अच्छा बढ़िया स्पेसिफिकेशन के साथ ये फोन आने वाला है। ये फोन में काफी बढ़िया तगड़ा स्पेसिफिकेशन देखने को मिलेगा। चाइना में हाल ही में जो फोन लॉन्च हुआ है Redmi K60 फोन का नाम पे, वही सेम फोन ग्लोबली और इंडिया में देखने को मिलेगा Poco F5 Pro 5G फोन का नाम पे। वही सेम फोन होगा, सेम स्पेसिफिकेशन होगा, खाली ब्रांड का नाम चेंज किया जाएगा। चाइना में लॉन्च हुआ था Redmi K60 फोन का नाम पे, इंडिया में और ग्लोबली लॉन्च होगा Poco F5 Pro 5G फोन का नाम पे। सेम स्पेसिफिकेशन देखने को मिलेगा, बढ़िया तगड़ा स्पेसिफिकेशन देखने को मिलेगा। ये फोन का लॉन्च डेट का बात करें तो ये फोन फेब्रुआरी में लॉन्च होने वाला इंडिया में, ग्लोबली भी आपको ये फोन फेब्रुआरी में ही देखने को मिल जाएगा। फेब्रुआरी का मिड में या फिर फेब्रुआरी का एंड में ये फोन देखने को मिल जाएगा। ये फोन का प्राइस का बात करें तो ये फोन का प्राइस भी बड़े एग्रेसिव होने वाला, बढ़िया स्पेसिफिकेशन के साथ देखने को मिलेगा। और ये फोन का प्राइस ऐसे इसका थ्रू पता चलेगा 30,000 से स्टार्टिंग होने वाला है। तो मुझे जहां तक लग रहा है अगर जो स्पेसिफिकेशन बताऊं, ये स्पेसिफिकेशन के साथ आया तो ये फोन 30,000 में देखने को नहीं मिलेगा, प्राइस थोड़ा ज्यादा होगा या 35,000 से स्टार्टिंग होगा और अप टू ये 40,000 रुपीज तक जा सकता है। अगर ये स्पेसिफिकेशन में कोई कॉम्प्रोमाइज किया जाए तो ये फोन
30,000 रुपीज पर मिल जाएगा, अंडर 30,000 रुपीज पर लॉन्च किया जाएगा। अगर स्पेसिफिकेशन में कोई कंप्रोमाइज नहीं किया, जो स्पेसिफिकेशन मैं बताया हूँ वही सेम स्पेसिफिकेशन के साथ ये फोन आया, तो ये फोन आपको 33,000 या फिर 35,000 से स्टार्टिंग देखने को मिलेगा। इससे ज्यादा भी हो सकता है, अप टू ये 40,000 रुपीज तक जाएगा। आपको क्या लगता है किस प्राइस पर ये फोन लॉन्च होगा इंडिया में? क्या आप ये फोन के लिए वेट करें? आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं आपको ये फोन कैसे लगा। मुझे तो ये फोन स्पेसिफिकेशन जो है काफी अच्छा बढ़िया लगा। देखते हैं किस प्राइस पर ये फोन इंडिया में लॉन्च किया जाता है। जब ये फोन का लॉन्च डेट ऑफिशियली कन्फर्म हो जाएगा तो फिर से मैं आप लोगों को अपडेट कर दूंगा, इसी चैनल पर मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो का बताऊँ आपको ये फोन कैसे लगा, अपने चैनल में बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करके जाइए, और हो सके तो टेक्निकल अमीरुद्दीन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साइड पर जो बेल आइकन है उस पर भी क्लिक कर दीजिए, ताकि जब भी वीडियो डालूंगा आप लोग ऐसे ही मिलते रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो का बताऊँ मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।